क्वेश्चन ये आ रहा था ना कि संवेदना और शरीर के बीच के जो जो आप देख पा रहे हैं, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, किस तरीके से तो उसको आपने कहा कोएग्जिस्टेंस के रूप में उसको देखा जाए सेल्फ और शरीर के। मैंने कहा कि शरीर जो है वो एक स्थूल है ना, भौतिक चीज है, भौतिक और रासायनिक। जब संवेदना की बात करते हैं तो उसमें दो भाग है, एक तो शरीर में कुछ घटना घट रही है ना, कहीं दर्द हुआ, कहीं गर्मी लगी, कहीं ठंडक लगी, और दूसरा ये कि मन उसको पढ़ रहा है। तो शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं घटित हो रही है, एक तो नहीं हो रही है। हवाएं बढ़ाएंगे ठीक है, बट उसमें से ज्यादातर चीजों को तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं, पढ़ते ही नहीं, कुछ तो आप पढ़ते हैं। तो संवेदना शब्द को अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब है संयुक्त रूप से जो वेदना हो रही है वो संवेदना है। तो संयुक्त क्या है, तो बाहर कुछ है और मैं उसको ध्यान दे रहा हूँ, हमारे दोनों के योगफल में कुछ हो रहा है। एक बात तो ये कहा, दूसरा ये कहा कि शरीर है इसका होने का पता हम कैसे चलता है, वो संवेदना से ही पड़ता करता है। जैसे अभी आप शरीर को देखते हैं, इसका रूप देख के आपको पता लगता है, ये रूप देखते कैसे हैं, आंख से जो सूचना हमको मिलती है, ध्यान देते हैं तो उसको देखते हैं तो उससे पता लगता है कि शरीर है। आंख अगर बंद कर लेंगे ठीक है ना, तो भी शरीर है इसका पता लगता है कि नहीं लगता है, लगता है, कैसे लगता है, तो अगर आंख बंद कर लें तो शरीर है कि नहीं इसका कैसे आपको पता लगता है। संवेदना, कोई ना कोई संवेदना को आप पढ़ते हैं, गर्मी लगती है, ठंडक लगती है, भारीपन लगता है, हल्कापन लगता है, उससे पता लगता है। ये तो बात होगी साहब, अगर आप कोई संवेदना नहीं पढ़ रहे हैं शरीर से तो आपको कैसे पता लगेगा कि शरीर है कि नहीं। तो फिर आपका ही मामला है, तो शरीर का कोई बात ही नहीं है, अभी तो भी नहीं है, तो भी आप मेमोरी बनाए रखेंगे। शरीर के होने का आपको पता ही नहीं चलता अगर आपको संवेदना को नहीं पढ़ रहे हैं। अभी जो हम बंधे रहते हैं वो शरीर से बंधे हुए नहीं है ज्यादा, इन संवेदनाओं से बंधे हुए हैं, जिन संवेदनाओं को हमने अनुकूल मान रखा है उन संवेदनाओं से बंधे हैं। तो मन जो फंसता है वो शरीर के साथ फंसता है कि संवेदना के साथ फंसता है। ठीक है ना, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं अगर ध्यान से देखेंगे तो पता लगता है कि अच्छा रूप देखना है ना, अच्छी सीनरी देखनी है, आप एक हिल स्टेशन में जाते हैं ठीक है ना, तो क्या देख रहे हैं, कुछ संवेदना ही मिल रही है, तो चित्र देखो जो भी हरियाली देखी है, रेखा वो देखा या ठंडा लगा है ना, गर्मी में ठंडक लग रही है, सब संवेदना ही है। उसके लिए आप शरीर को कितना कष्ट देते हैं, ये जाना आना, वहाँ पे रहना, घर पे बाहर है ना, शरीर के लिए सब अनुकूलता रहती है कि बहुत सारी प्रतिकूलताएं होती हैं। तो
आप कितना भी जो है बढ़िया होटल ले लीजिए, तो शरीर के लिए तो अगर देखेंगे तो यात्रा में और वहाँ रहते हुए भी बहुत प्रतिकूलताएं होती है, बट वो एक संवेदना आपको अच्छी लगी हुई आपके मन को, उसके लिए पूरा टूरिस्ट वो चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है। अगर आपको पता चल जाए कि तो इतना ही है मामला, वो घर बैठे ही वो संवेदना को पा सकते हैं, तो आपकी टूरिस्ट इंडी से बंद हो जाएगी, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। तो बंधन तो संवेदना से है, शरीर से नहीं है, बल्कि और थोड़ा पीछे जाएंगे ना तो आप शरीर चलाना भी क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि अनुकूल संवेदना पाना चाहते हैं और उसे सुखी होना चाहते हैं, इसलिए शरीर चलाना चाहते हैं। अब अगर जैसे वो हिल स्टेशन का ही ले लें, तो बेसिकली जब हम किसी हिल स्टेशन पे गए तो हमने तो एक दो ही तरह का ही है, एक दल इकाई एक जड़ इकाई, किसी जड़ इकाई को हमने देखा, जड़ इकाई को देख करके अगर उसको ऐसे देखें तो आंख पे कुछ रेटिना पे कुछ बना, इसके बाद हमने उसकी संवेदना लेना शुरू किया। तो तीन, अब तक तो तीन चीजें हैं अस्तित्व में, एक जड़ इकाई है, चैतन्य इकाई है और तीसरी चीज हो गई स्पेस। तो संवेदना को हम कहाँ रख रहे हैं? वही तो बताया, जड़ इकाई का आस्वादन जो चैतन्य इकाई कर रही है तो संवेदना है, जिस चीज को कर रही है आस्वादन वो संवेदना है। है कहाँ उसका एग्जिस्टेंस? तो शरीर में बढ़ कौन रहा है, नर्व कौन निकाल रहा है, तो मन निकाल रहा है। तो वो इतना स्थूल नहीं है जितना शरीर है, उससे सूक्ष्म है, लेकिन है तो शरीर का ही घटना। ये अंतर स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार हमको लगता है कि हम शरीर से बंधे हैं, शरीर से नहीं बंधे हैं, संवेदना से बंधे हैं, और संवेदना का मामला आपसे जुड़ा हुआ है, सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। अब ये पता चलता है कि हमसे भी जुड़ा हुआ है तो हमारे ऊपर उसका नियंत्रण है, हम उसको नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए जाके संस्कार से जुड़ा हुआ है, वही फिर वो संस्कार से जुड़ा हुआ है। एक्सरसाइज टू में जब बात करते हैं कि शरीर से कोई भी संवेदना को लेने का निर्णय हमारा है ना, वो तो निर्णय करने में भी संस्कार जुड़ा है। संस्कार संवेदना को लिया, उसको पढ़ा, पढ़ के उसको जो अर्थ दे रहे वो भी हम ही दे रहे हैं, अर्थ जो दिया उसके हिसाब से अपने भाव विचार को बनाना बिगाड़ना वो भी हमारा है। फिर उसके साथ करना क्या है, प्रतिक्रिया करना है कि जिम्मेदारी जिनको देना है उसमें भी हमारा संस्कार काम कर रहा है, और जो व्यक्त करना है हमको परस्परता में उसको करने के लिए क्या शब्द प्रयोग करने हैं, क्या गेस्चर यूज करना है, वो भी हमारे निर्णय, वहाँ भी हमारा संस्कार काम करता है, उन सब जगह हमारा संस्कार काम कर रहा है। और अगर हम संस्कार को ठीक कर लेंगे तो सब जगह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो शरीर के साथ होने में क्राइसिस नहीं है, संवेदनाओं को पढ़ने में क्राइसिस नहीं है, उसके साथ जो संस्कार जोड़ रखा है वो, अगर संस्कार सही नहीं है तो वो क्राइसिस है। जो भी संस्कारों की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या जिस भी जब भी शरीर यात्रा में होते हैं तभी होते हैं, या शरीर यात्रा के मतलब शरीर के बिना होते हैं तब भी हो सकते हैं? क्योंकि जहाँ तक हम संवेदना को देख रहे हैं तो संवेदना तो शरीर के होते ही हो सकती है, तो संवेदना शरीर का भाग। हाँ जी, अभी अपना स्टडी करेंगे तो पता लग जाएगा कि संवेदनाओं की सूचना से भी कुछ संस्कार हम बनाते हैं, और फिर बाहर से कुछ नहीं ले रहे हैं तब भी कुछ संस्कार बनाते रहते हैं। अभी जो बात हो रही थी ना कि आपने किसी ने एक बार कोई अपशब्द बोला, एक मिनट दो मिनट में वो खत्म हो जाता है, उसके बाहर से तो कुछ नहीं ले रहे हैं लेकिन आपके अंदर कुछ चलता रहता है कि नहीं चलता रहता। हाँ, लेकिन वो शुरुआत तो वहीं से हुई है ना सर, जो भी वो सुना शुरुआत तो हो गई ऑलरेडी, उस पर बहुत सारा काम होता रहेगा, फिर उसके लिए शुरुआत करने की जरूरत नहीं है ना। भाई कितना सारा इनपुट आप पहले लिए ही चुके हैं, उसको आप कुछ कुछ मतलब घाल मेल करके कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं,
कि नहीं, जितना चीजें आपके पास ऑलरेडी इनपुट में आ गया है वो बहुत है। ये जो संवेदना के जो माध्यम है उसमें एक दो माध्यम काम नहीं कर रहे किसी के, तो उसकी गति बनेगी क्यों नहीं? तो अच्छा ये नहीं कर रहे हैं ज्यादातर, तो हैंडी है हमारे पास जो आप उसका क्या करते हैं आप सूरदास ने जो पद लिखे हैं कृष्ण के भक्ति में, है ना, उसके बराबरी का पद भी लोग नहीं लिख पाए हैं। सुविधा वाला मानव और एक पशु हमसे आगे है, हार्मनी है। आगे नहीं कहेंगे लेकिन ये कि आप ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। सुविधा के चलते भाई एक शेर जो है कितने लोगों को मारता है अपने लाइफ टाइम में, इतना जैसे लोगों ने 60 लाख लोगों को मार डाला अपने लाइफ टाइम में, आप उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते जितना कि पशु उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता जितना आप हो सकते हैं। अगर आप पशु चेतना में जी रहे हैं तो आपका पोटेंशियल ज्यादा है हार्म पहुंचाने का, अगर आपका ध्यान चला जाए तो आप मानव चेतना में संक्रमण भी कर सकते हैं, तो वही व्यक्ति बहुत उपयोगी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अभी उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे हम उपयोगी हो सकते हैं दूसरों के लिए, तो हमारे पास सब तरह की पॉसिबिलिटी है। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ कि मनुष्य जो है वो एक चौराहा है ना की तरह है, उसके पास सारे चरण हैं, इसलिए देवताओं से भी श्रेष्ठ माने हैं मनुष्य, क्योंकि आप जितना समझने और जीने का काम विस्तार से कर सकते हैं उतनी चॉइस आपके पास है नीचे ऊपर जाने की, उतनी चॉइस देवताओं के पास नहीं है, उनके पास चॉइस लिमिटेड है। अभी जब बात हो रही थी कि नया इनपुट नहीं आता है तो अभी अंदर काम भी चल सकता है, बट वो काम को अगर स्पीड देखेंगे तो रिलेटिवली कम हो जाता है। तो हमारे पास ज़्यादा चॉइस, तो शरीर को एक बहुत उपयोगी यंत्र के रूप में भी हम देख सकते हैं, और मैं और शरीर के संयुक्त है ना प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों को हम जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं बेटर। तो ये शरीर सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसको पैदा होना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, इतना ही नहीं है, ये तो उसका बहुत एक्सटर्नल पार्ट है। इस तरह का भी है ना कि हम अगर अपने रेडियो को प्रॉपरली ट्यून कर लें, टीवी को प्रॉपरली ट्यून कर लें तो बहुत दूर की बातें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वैसा आप अपने शरीर को भी ट्यून कर सकते हैं। तो ऐसा लोगों ने बहुत उपयोग किया है। आप सारे ग्रह बोल को यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं, उनकी गति को देख सकते हैं, उनका स्थिति को देख सकते हैं, ये सब है। ये सेल्फ की आवश्यकता सम्मान है, विश्वास है, और एक तरफ कहा जा रहा है कि सेल्फ आत्मनिर्भर किसी पे निर्भर नहीं, ये कंट्रास्ट फैलाएगा। देखिए सेल्फ की जो मूलभूत जरूरत है वो तो है ज्ञान, ठीक है ना, ज्ञान के साथ ये सब चीजें हो जाती है। अभी क्या है कि हमारा सोचने का ढंग है कि सम्मान जब हम कहते हैं तो दूसरे से सम्मान पाना है, यही ढंग मानते हैं, तो यही एकमात्र ढंग नहीं है। ज्ञान पूर्वक हमारे में हर एक के प्रति सम्मान का भाव हो सकता है, उसके लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी है नहीं।
आपको डिपेंडेंसी इसलिए लग रही है क्योंकि आपको लगता है कि सम्मान का भाव दूसरे से ही पाना है, इसलिए ऐसा लगता है कि दूसरा तो जरूरी है। दूसरे अभी ध्यान से देखेंगे तो ज्ञान पूर्वक हमारा हर एक के प्रति सम्मान का भाव होगा, उसमें हम स्वतंत्र हैं। सम्मान का भाव है तो परस्परता में जब भी हम जीने जाएंगे तो दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक प्रस्तुत होंगे। इसी तो स्वराज्य का है कि स्वयं का जो वैभव फैलेगा वो उसमें फैलेगा। तो ऐसा है इसमें कहा दूसरे की बाधा है, दूसरा नहीं होगा तो ये नहीं होगा। भैया ने जो बात कही है विश्वास को लेकर, उसी क्रम में जब ये विश्वास में 2A और 4A बात करते हैं कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ या दूसरा मुझको सुखी करना चाहता है, तो यहाँ तो सुख जो है प्रभाव के रूप में फिर एक बार दिखता है कि सुखी करने का मैटर आ जाता है कि सुखी करना चाहता है, जबकि हम लोग लाइन ले रहे हैं कि सुख स्वभाव है और ये बात दिख रही है। हाँ, लेकिन वो तो इसलिए करना पड़ रहा है इस बात को क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि दूसरा हमको दुखी करता है। अगर आप ये नहीं सोचते हैं तो बढ़िया, फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आपकी ये है कि जब भी दुखी होते हैं आप तो आप ढूंढते हैं कि किसके कारण दुखी हुए। अगर आप तो दिख जाए कि दूसरा हमारा स्वभाव है तो कोई झंझट ही नहीं है, बढ़िया सुखी रही है और क्या। क्या है देखिए, ये सब बातें धीरे धीरे जो है आप सब लोगों से इंटरेक्शन करते करते समझ में आए कि किन किन बातों पर किस क्रम से ध्यान दिलाना उपयोगी रहेगा। तो विश्वास के बारे में जो सवाल हम लोग पूछते हैं वो तो धीरे धीरे इन शिविरों के दौरान ही जो है निकल कर आए, तो उसको धीरे धीरे हम लोगों ने कॉन्क्रिटाइज कर दिया, फॉर्मुलेट कर दिया है, उससे आपको बड़ा सहयोग मिल जाता है। मतलब जो व्यक्ति शिविर करता है उसको और कुछ भी समझ में ना आए तो एक तो समृद्धि क्या चीज है वो समझ में आया उनको ये बताते, दूसरा संबंध महत्वपूर्ण है ये समझ में आया बताते, तीसरा ये विश्वास में इंटेंशन और कॉम्पिटेंस अलग अलग चीज है ना। ये तीन बातें ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाती है ना, कि एटलीस्ट उसका कोई जिस्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बाद कोई बहुत मतलब तात्विक मुद्दा नहीं है, वो व्यवहारिक ही मुद्दा है कि व्यवहारिक रूप से आप उसको कैसे पहचान पा रहे हैं। बट उपयोगी है लोगों के इनिशिएटिव अनइनिशिएट होने के लिए बहुत उपयोगी होता है। आपने अभी बताया कि अगर ये सहस्वीकृति से देखना होता है तो हम ग्रहों को भी देख पाते हैं और सूक्ष्म लेवल पे देखें तो परमाणु की स्थिति को भी देख पाते हैं, तो ये दृष्टा हमें सब कुछ कैसे दिखवा सकता है? क्योंकि उसकी कैपेसिटी है, दृष्टा की कैपेसिटी है सब देखने की, तो देखता है। उसमें शरीर की आवश्यकता नहीं है, वही बताया, शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जैसे टेलीविजन से आप देख लेते हैं दूर तक, तो देखने वाले तो अल्टीमेटली आप ही, बट वो यंत्र आपके लिए उपयोगी होता है, उस तरह की फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो देख लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वो उपयोगी यंत्र है, बस प्रॉब्लम यही है कि उसको हम उपयोगी यंत्र की तरह प्रयोग करने के बदले उसको एंड यूजर मान लेते हैं। सुखी होना चाह रहे हैं, सेल्फ कहते हैं सुखी है, स्वभाव में चाहिए, हम डेफिनेशन दीजिए सुखी, उसका विरुद्ध शब्द दुखी। तो जब दृष्टा साक्षी ये सहअस्तित्व शून्य तक जाएगा, ना वहाँ सुख है ना दुख है, ठीक है ना, वहाँ पे जो है उसी को अभी हम लोग निरंतर सुख कह रहे हैं। वहाँ कुछ है कि नहीं है?
तो हमने तो डिफरेंशिएट किया ना, वही कह रहा देखिए कठिनाई क्या होती है, जिससे बात कर रहे हैं ना उसको क्या समझ में आती है भाषा, वहीं से शुरू करना पड़ता है। जैसे परंपरा में तो ये प्रयोग किया कि सुख और दुख दोनों विरोधी होंगे, जो आपने कहा भी है ना, तो उसके लिए एक और शब्द प्रयोग किया आनंद। ये भी हमारे यहाँ परंपरा में बहुत अच्छी टेक्निक रही है कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह से निगेट करना चाहते हैं, उससे ऊपर उठ के बात करना चाहते हैं, तो दो बार अ और का प्रयोग करते हैं। तो डबल जब आप करते हैं तो अ से अभाव है ना का निगेट करते हैं, तो अभाव का अभाव होना, ठीक है, ऐसा बताते हैं। नंद शब्द का मतलब है प्रसन्न रहना, सुखी रहना। आनंद का मतलब सुखी नहीं रहना, सुख का अभाव होना। फिर एक बार अलग आएंगे तो अभाव का अभाव होना। तो आनंद शब्द का मतलब है प्रसन्नता के अभाव का अभाव। दोनों से ऊपर उठे हैं, फिर से बताइए। आनंद शब्द है ना, हाँ। उसमें अ प्लस नंद, नंदति मतलब प्रसन्न होता है, हाँ। आनंद का मतलब प्रसन्न नहीं होता है, उसका अभाव है। एक बार और लगाएंगे तो प्रसन्न नहीं होने के अभाव का अभाव है, मतलब प्रसन्न होने का जो अभाव है उसका अभाव है, ये आनंद शब्द का मतलब है। तो उसको दूसरी तरफ से कहेंगे तो यह कि ये जो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ गया, एक शब्द आनंद उसके लिए लगा है। सबसे ऊपर एक ही है नित्य, तो एक ही होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक दो है तब तक फिर परमानंद क्या है, फिर क्या है कि ये जो जिसको हम लोग हारमोनी शब्द कह रहे हैं ना, अभी संगीत कह रहे हैं, तो इकाइयों के साथ संगीत को देखने का जो स्थिति बनता है उसको आनंद के रूप में पहचाना है। ये जो व्यापक वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, उसके साथ जो सस्तित्व को हम देख पाते हैं, उसके साथ जो सस्तित्व हर क्षण हमारे में बना ही हुआ है, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। इकाई के साथ तो फिर भी ध्यान देना है, समझना है, बनाना है, लेकिन ये व्यापक के साथ कुछ करना नहीं है, सब है ही। तो वहां दिखने के बाद जो अस्वस्थि बनती है आपको, उसको परमानंद कहा है कि उसमें कुछ करना नहीं, वो प्राप्त ही है। बाकी स्थिति अप्राप्य है, समझ ऊपर है, परमानंद की स्थिति वो प्राप्त है, बस उस पर हमको उसको देख लेना है। एक बार अभी ध्यान नहीं दिए, देखा नहीं, इसलिए बहुत दूर लगता है। भैया बहुत बार ये विचार जीरो माइंड और विचार शून्यता, ये वर्ड को सुना है, तो ये विचार शून्यता और जीरो माइंड हम इस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ रख सकते हैं? ठीक है, विचार का मतलब क्या बने तो ये स्पष्ट होना चाहिए। तो आपके हिसाब से विचार का क्या मतलब? इमेजिनेशन हम करते हैं, जो सोचते हैं, मन मन का जो हम बोल सकते हैं उसको ही विचार बोल सकते हैं। देखिए विचार सबका मतलब ये है कि हम परस्परता में आचरण करने के बारे जो निर्णय ले रहे हैं,
ध्यान दे रहे हैं वो विचार है। परस्परता में कैसे जीना है इसका विचार होता है। तो विस्तार पूर्वक जीने के क्रम में या फैल कर जीने के क्रम में जो हमारा आचरण होगा वो विचार है। इसमें जो देखिए अभी तक ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, पहले जो बात ध्यान में आई थी वो ये थी कि जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं इस तरह उसे पहले ध्यान देने की बात की गई। तो जब वो देख रहे हैं तो उस स्थिति में ये बन सकती है कि हम अपने आप से बात ना करें, शांत हो जाए। तो वो चीज़ तो जो मुझे लग रहा है विचार नहीं है। विचार तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पड़ा रहता है। देखिए विचार का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है कि विस्तार पूर्वक आचरण करने जाएंगे, जीने जाएंगे, है ना, तो कैसे जिए वो विचार। उदाहरण के रूप में बता देता हूँ कि मैंने आपके साथ संबंध को पहचाना और संबंध में सम्मान का भाव, विश्वास का भाव, यही हमको सहज स्वीकार है। तो भाव मेरे में बना हुआ है। अब इस भाव का निर्वाह हम आपके साथ कैसे करेंगे, ये विचार। ये विचार तो जब हम ऊपर से नीचे से आते हैं तब की बात हो गई। अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तब विचार जब जा रहे हैं विरोध का भाव बना है तो भी तो विरोध के भाव से कैसे जीना इसका विचार तो करते हैं। उसी चीज में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब जब हम विचार देखने जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस मतलब हमारे अंदर वो शांति से पड़ा हुआ है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है बट है। तो उसको विचार नहीं कर रहे हम लोग, ये जो पड़ा हुआ है ये तो संस्कार ही है। हमने आपके बारे कुछ मान रखा, ये विचार नहीं है, ये संस्कार। इसके आधार पर विचार करेंगे आप, इसके आधार पर कुछ भाव बनाएंगे, उसके आधार पर फिर विचार करेंगे। तो विचार शून्यता की जब बात हो रही थी, मैंने उस संदर्भ में उसको बताना शुरू किया था कि विचार शून्यता की जो बात है उसका मतलब ये होगा कि अभी हम चीज़ों को सीधा सीधा देखने का समझने का काम कर रहे हैं, उसके साथ जीने के संदर्भ में कुछ नहीं फैला है, कुछ नहीं फैला रहे। जब जीने के संदर्भ में कुछ फैला नहीं रहे तो विचार नहीं रहेगा उस समय सीधा सीधा देखने के बाद। और उसको बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना बहुत सारी जो पद्धतियाँ हैं साधना की उसमें, क्योंकि जब तक आप विचार कर रहे होते हैं तब तक आपका वस्तु को सीधा सीधा देखने पर ध्यान नहीं जाता है, ध्यान नहीं जाता है, इसलिए आप सीधा सीधा उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये कहा कि विचार को बहुत मत फैलाइए, उसको जितना काम हो जाए उतना ठीक है। आप अपने को अपने को ऊपर उठाइए, कल्पना चिंता से ऊपर उठाकर संस्कार से ऊपर उठाकर दृष्टा की जगह पर जाइए और दृष्टा की जगह से देखिए सीधा सीधा। इसलिए उसको महत्वपूर्ण बताया विचार सुनने का। लेकिन अभी होता था उल्टा, आप तो झगड़ा ही करने लगते हैं विचार के, विचार से झगड़ा करके विचार को दबा के आप सोचते हैं कि आप विचार सुनता तक पहुंच जाएंगे और देखने का ध्यान का काम शुरू हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, झगड़ा ही होता था। एक कहानी बताते हैं ना, और हर चीज के लिए हमारे अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। उसमें एक कहानी है कि एक शिष्य जो है वो गुरु के पास गया ज्ञान सीखने के लिए। तो उसने कहा कि हमको सिखाई, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा सीखने का मन है तो बने रहो, जब हमको उपयुक्त लगेगा तुम्हारी पात्रता होगी तो सिखा देंगे। बट ये काफ़ी बेचैन था, तो बार बार जाया करता था। तो एक दिन उसने जो है एकदम जिद कर लिखना शुरू कर दिया कि भाई आज हमको दीजिए कोई मत जिस पर हम ध्यान करें। तो उन्होंने कहा ठीक है आज तुमको मंत्र देंगे तुम्हारा, तो गया हो। तो उसने उसको कहा कि कोई एक मंत्र छोटा सा बताया,
तो शिष्य ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो मंत्र तो पहले से ही बताया थे और यही बताना था, उसके लिए इतने निवेश क्यों कराया। तो उसने कहा कि नहीं ठीक है, पात्रता तो बनानी पड़ती है, बट ठीक है इसको जो है तुम करो तो हो जाएगा, तुम ध्यान में जाएगा। तो बड़ा जल्दी से भागने लगा वो। उसने कहा कि देखो एक शर्त है, तुमको बताना तो मैं भूल ही गया, ठीक है ना, कि जब इस मंत्र का तुम जाप करोगे तो बीच में जो है बंदर का ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। उसने कहा इसमें क्या कठिन बात है, मुझे तो कभी बंदर का ध्यान नहीं आया। उसने कहा फिर तो कोई बात नहीं, तो तुम्हारा मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो उसको जाकर नहा धोकर है ना, तो वो तेजी से जाने लगा वो नहाने के लिए। तो सीढ़ियां उतर रहे तो उनको बंदर ध्यान में आने लगा। बड़ा मुश्किल है, काफी मुश्किल से हटा हटा, लेकिन नहाए डुबकी लगा तो बंदर ही बंदर दिखे सकते। और उन्होंने कहा था कि इस बीच में कभी ध्यान नहीं आना चाहिए बंदर का, तो उनका नहाने पूरा नहीं हो पाया, मंत्र का तो नंबर ही नहीं आया कभी। तो अभी तो देखिए विचार ऐसे चलते रहते हैं, हमको ध्यान में नहीं आता। जिन वस्तु को हमको समझना है उनको समझने के संदर्भ में विचार का उपयोगिता यह कि हमारा ध्यान चला जाए उन वस्तु की तरफ, विचार पूर्वक हम वो नहीं कर पाते, हमारा विचार ही इधर करता ही रहता है। तो बहुत सारा एफर्ट इसलिए बताया साधनाओं में कि विचार को आप किसी तरह से थोड़ा डाइवर्ट कर लीजिए और सीधा सीधा वस्तु को देखने का काम करिए, ठीक है ना। इसी चीज लेकिन वो होता नहीं है, आप बहुत उछल कूद में पड़ जाते हैं। तो हम लोग तो जिस एक विधि की बात कर रहे हैं उसमें ये कहा कि तुम चिंतन भी करो, जो विचार चल रहा है चलने दो, ठीक है ना, उसको देखना शुरू करो, वो ठीक चल रहा है कि नहीं इसको देख लो, ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक नहीं चल रहा है तो ठीक चलाने के लिए क्या करना होगा, तो भाव को ठीक करना पड़ेगा, तो भाव को भी देख लो, भाव को ठीक कर लो। तो विचार के साथ अपना कोई झंझट नहीं रहा, तो वो बंदर आ जाए ध्यान में तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए, नहीं तो फिर मंत्र से निपटना बहुत मुश्किल काम है। कभी करके देखिए आप, वो आती है तो आपने इंतजार जिंदगी में कभी ना आया हो। ये भाव को ठीक करने वाला क्या प्रोसेस हो सकता है कि किसी व्यक्ति के प्रति अपना विरोध का भाव सुबह के सत्र में है कि नहीं है, सुबह के सत्र में उनसे पूछा हूं। हां जी आप कह रहे हैं कि सुबह के, हां बिल्कुल, ये पाठक भैया, पाठक भैया वो भी है, हां तो इतने दिन से तो यही चल रहा है और क्या चल रहा है। नागपुर से कौन है? मैं। और क्या नाम आपका? अजय। अजय जी, तो अजय जी और आपका नाम? अश्विन। अश्विन जी, अजय और अश्विन जी नागपुर से हैं और आप? विजय। अजय और विजय, विजय अमरावती से। तो इसी पर तो बात हो रही है कि भाव को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे वो ठीक हो सकता है, इसी पर तो सुबह मेरा प्रश्न ऐसा था सर, मेरा प्रश्न ऐसा था कि कई बार जो है पुराने व्यवहार के आधार पर हमारा किसी के प्रति विरोध का भाव बना हुआ रहता है, तो जब उनसे इंटरेक्शन होने जा रहा होता है तो थोड़ा बहुत विरोध का भाव बना हुआ रहता है, उनके इंटरेक्शन से पहले अगर हम उसको बदलना चाहें संबंध के भाव पे, तो उसको क्या कैसे किया जा सकता है? देखिए अभी तो जो बात हम लोग कर रहे हैं ना उसमें तो ये मुद्दा ही नहीं कि पहले आपका इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा हुआ हो तब भी नहीं हुआ हो तब भी आपको तो सम्मान का भाव सह स्वीकार है, संबंध का भाव सह स्वीकार है,
शुरू कर दीजिए, कोई परिचित हो अपरिचित हो कोई भी, हम लाते क्यों है पुराने को भी ऐसे लाते नहीं है, वो आते आते इसलिए क्योंकि हम बेहोशी में हैं। अगर हमारे लाने का पोटेंशियल योग्यता बन जाए तो वो निकालने की भी योग्यता बन ही जाएगी। वही तो हम देखने का पोटेंशियल बना लें, होश में रहने का, होश में रहते हुए कौन सा भाव सहज है इसको देखने का, ये दो पोटेंशियल हो जाएगा तो जो सहज है उसको बनाए रखेंगे। बाकी इतने पुराने कचरे उसका हिसाब किताब क्यों लगाना चाहते हैं और उसको कभी नहीं चाहने पाएंगे। महावीर ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा, महावीर ने कहा कि अगर पुराने कर्म को है ना ठीक करना है ना, तो उसको करने के क्रम में जो क्रम कर्म करेंगे आप फिर उसको आगे ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करते रहेंगे आप। तो ज्ञान से ही कर्म को आप शुद्ध कर सकते हैं, कर्म से कर्म को शुद्ध करने जाएंगे तो झंझट बना रहे। इसीलिए हम लोग अभी जो कह रहे हैं ना, अगर ध्यान से सुनेंगे आप बात को तो हम लोग करने के लिए नहीं कह रहे, हम लोग तो सिर्फ देखने के और मूल्यांकन करने के लिए कह रहे। तो देखिए मूल्यांकन कर लीजिए, अपने आप आगे जो होना होता रहता है। तो करने जाते हैं तो झगड़ा शुरू कर देते आप। कुछ प्रॉब्लम्स थे, संस्कार थे जिनको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे तब तो हुए नहीं, और कुछ नहीं किया तो सॉल्व हो गए। वो उदाहरण में बताया था ना कि तालाब में गंदगी अगर है और आप पूल जाए उसको ठीक करने के लिए तो और आप फैलाएंगे उसको, आप किनारे बैठ के देखिए तो अपने आप बैठ जाता है नीचे जमीन को। तो भैया इसे ही चिंतन कहेंगे क्या? देखिए ये सब शब्दों का बहुत जनरल अर्थ भी प्रयोग किया जाता है, बहुत टेक्निकल अर्थ भी प्रयोग किया जाता है ना। जब आप इस तरह की कोई बात पूछेंगे तो हमको उसको जनरल अर्थ से शुरू करके उसका एकदम टेक्निकल अर्थ में उसका जवाब देना पड़ता है ना। तो चिंतन सामान्यतः जो है पिछली रिफ्लेक्शन करने को चिंतन कहते हैं सामान्य प्रचलन में। अभी हम लोग यहाँ प्रयोग कर रहे हैं चिंतन शब्द का प्रयोग, उसका अर्थ यह है कि जो किसी इकाई की भागीदारी है या संबंध में जो जिम्मेदारी है या भाव है स्वभाव है उसको देखने को चिंतन का। उसकी व्यवस्था को देखने को बोल का है और उसका सुनने के अस्तित्व में होने को देखने को अनुभव का है। तो इस तरह से चिंतन बोध अनुभव शब्द का प्रयोग यहाँ पर जो भी देखेंगे तो उस तरह से प्रयोग हुआ है। तो आपको बहुत टेक्निकल वो भी पता होना चाहिए और जो सामान्य लोग प्रवर्तन में प्रयोग कर रहे हैं उसका भी पता होना चाहिए, तब आप ठीक से उसको शॉर्ट आउट कर पाएंगे। नहीं तो अगला कुछ बोलता रहेगा आप कुछ बोलते रहेंगे, विचार हो जाएगा। नहीं विचार में भी होगा और आपस में कुछ स्पष्टता नहीं बन पाएगी। ठीक बढ़िया, ये घड़ी होने ही बजने वाला है इसमें। तो कल की चर्चा को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएं है ना, पूरा कर लें, टाइम होने पर आधा घंटा बचा है क्योंकि करीब करीब हम लोग पौन घंटा देर से शुरू किए। तो कल जो ये बात हो रही थी देखिए 11:30 बजे तक ठीक, कल जो बात हो रही थी ना हम लोग कितने से कहाँ जी रहे हैं, इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात हम लोगों ने इंगित की थी कि ये जो 4, 5, 6 है अगर यही हमारे जीने के केंद्र में है तो कहीं ना कहीं हम अपने को शरीर मानकर जी रहे हैं। जड़ संसार है सब कुछ और मैं भी एक जड़ शरीर हूँ ऐसा मानकर जी रहे। तो एक शिफ्ट तो ये जरूरी है कि हमारा ध्यान अपने पर चला जाए,
इसको मैंने S1 लिख दिया, शिफ्ट वन, ये मेजर शिफ्ट। उसी के लिए हम लोग इतना चर्चा करते हैं ना। ये जो चर्चा है वो इस शिफ्ट के लिए है ना। ये जो 3, 6, 4, 5, 6 में जीना है उसके निर्माण कर, उससे ऊपर उठकर हम अपने तरफ ध्यान दे सके, चैतन्य की तरफ ध्यान दे सके। तो चैतन्य की तरफ ध्यान देते हैं तब संबंध महत्वपूर्ण है, ये पता चलता है। उस पर भी जो फोकस हमारा रहता है वो दूसरे से भाव पाने पर रहता है, ठीक है। उसी को मैं के स्तर पर जब देखेंगे तो ज्यादातर हमारा काम कल्पना चिंता के लेवल पर और संस्कार के लेवल पर चलता रहता है। तो यहाँ पर हम काम करते रहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो जब यहाँ से ध्यान आपको अपने पर गया तो अपने पर जो काम चलता है वो कल्पनाशीलता पर और उसके पीछे जो संस्कार है उस पर। अभी ये कह रहे हैं कि उससे भी एक और शिफ्ट होने की जरूरत है। तो एक बीच का शिफ्ट हो गया। संबंध पर भी जब ध्यान देते हैं तो दूसरे से भाव पाने पर ध्यान है या अपने में सही भाव को सुनिश्चित करने पर ध्यान है, ये एक और शिफ्ट। फिर अपने पर ध्यान चला गया तो अपने में भी कर्ताशीलता पर ध्यान है, संस्कार पर ध्यान है, या दृष्टा की जगह पर हमारा ध्यान गया और वो हमारे जीने के केंद्र में आ गया। तो ये जो तीसरा शिफ्ट है इसके बाद हम एक स्टेबल जगह पर पहुंचते हैं, जो सुबह भी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है वो नित्यता है, समय के साथ चीजें बदलती नहीं है। उसके पहले तक समय के साथ चीजें बदलती है, जो नित्य नहीं है, हर देश में हर काल में एक जैसा नहीं बना रहता है, उस पर अगर आप अपना बेस करेंगे सुख को तो उसकी भी नित्यता नहीं होगी। तो बहुत सिंपल आर्गुमेंट है ये, पर बहुत मुश्किल से समझना। एक सर इसकी जवाब है जो दिख रहा है, ये यहाँ तो ऐसे दिख रहा है कि S1 से S2, S2 से S3, ये जो दूसरे से भाव पाना है इसको गहराई से देखने को लगता है कि ये अहंकार का मैटर है, और अहंकार कल्पनाशीलता को देखने से कहीं ज्यादा सूक्ष्म है ऐसा दिख रहा है। तो क्या ये हम कर दे रहे हैं कि एक लेवल की शिफ्ट हो गया और फिर इसके बाद हम कल्पनाशीलता के ऊपर जा रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि साक्षी दृष्टा बनने से जस्ट नीचे की एक श्रेणी है, जब हम अहंकार से मुक्ति पाएंगे तब जाकर के साक्षी पद पे पहुंच पाएंगे।
ये जो संस्कार है ना, वो संस्कार कर रहे हैं जो वहां तक जा सकते। तो हमारे यहाँ जो एक फॉर्मुलेशन हुआ अविद्या अस्मिता राय द्वेष अभिनिवेश, ये पांच क्लेम बताए। अविद्या का मतलब क्या पूछे तो यही बताएगा कि अनित्य को नित्य मान लो, ठीक, ये अविद्या। जो दोष रहित नहीं है उसको दोष रहित मान लेना, निर्दोष मान लेना। जो असुचि है उसको सुचि मान लेना, जो दुख स्वरूप है उसको सुख स्वरूप मान लेना, और जो अनात्म है उसको आत्म मान लेना। जो व्यापकता के साथ नहीं देख सकता उसको व्यापकता के साथ देखने वाला मान लेना, ये चार अविद्या है। उसी से अहंकार बनता है, अस्मिता जिसको कहा। अस्मिता का मतलब यह है कि जब भी हम अपने को इसके साथ आइडेंटिफाई करने के बदले इसमें से किसी के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं है ना, तो हम अपने को दूसरे से भिन्न देखते हैं, ये अहंकार है। क्योंकि आपका संस्कार दूसरे से भिन्न संस्कार हो सकता है, ठीक है ना, तो आप अपने संस्कार को तो बड़ा मानते हैं, दूसरे को बेकार मानते हैं। लेकिन दृष्टा की जगह पर देखेंगे तो जैसे आप दृष्टा है वैसे हर व्यक्ति दृष्टा है, वहाँ कोई अहंकार का जगह नहीं। बट उसके नीचे जैसे आएंगे तो आप अहंकार फंसेंगे। तो अविद्या का अगला जो मतलब आउटकम है वो है अस्मिता, और अस्मिता का मतलब यही बताए, ये जो देख सकती है दृष्टा है, और इसको दर्शन शक्ति का, तो देख सकती और दर्शन शक्ति के बीच में एक आत्मता महसूस होने लगे लगने लगे उसको अहंकार का, उसको अस्मिता का। तो बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है सर। तो देख सकती और दर्शन शक्ति, ये दोनों शक्ति के बीच में एकात्मता महसूस होने लगे लगने लगे कि ये वही है। देखिए अभी तो क्या है ना कठिनाई, हम तो अपने को इतने स्थूल से आइडेंटिफाई किए रहते हैं शरीर सुविधा के साथ, अभी उसको रिफाइन करके शरीर उससे समृद्धता उससे संबंध उससे स्वयं और स्वयं में भी कल्पना स्थिरता और मान्यता इन सब से भी उठते उठते यहाँ तक पहुँचना है दृष्टा की जगह तक। यहाँ पर जब हम खड़े होकर देखते हैं तब हम सब एक जैसे, इसमें कोई बदलाव नहीं। मेरा जो दृष्टा होना है शुद्ध दृष्टा के रूप में होना, आपका होना सबका होना एक जैसा। अभी कम से कम उसके ग्लिम्स के रूप में इतना तो दिखता है कि हमारी सबकी सह स्वीकृति एक जैसी है। तो यहाँ पर दिखता है कि जो हमको सह स्वीकार होगा अभी तो सह स्वीकार होगा, तो हम कोई विशेष नहीं है फिर ना, आप कोई विशेष नहीं। इसलिए अहंकार के लिए उसमें जगह नहीं, क्योंकि आप विशेष नहीं है तो किस बात का अहंकार, विशेष नहीं है भिन्न नहीं है, जैसे आप हैं वैसे सभी हैं, जैसे सभी हैं वैसे आप हैं। विश्वास का भी आधार रही इसी आधार पर हम हर एक के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। अगर संस्कार और कल्पना चिंता के आधार पर देखने जाएंगे तो सब उल्टा पुल्टा दिखता है, तो विश्वास करने का कोई बेस नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अधिष्ठान नहीं मिलता है। ठीक, तो हम लोग ये मान के अभी चल रहे हैं कि आपका ध्यान अपनी तरफ चला गया है, आप अपने को शरीर मानकर नहीं जी रहे हैं, लेकिन आप हैं शरीर शरीर है इतना पता चल गया। तो अब जो आप हैं स्वयं मैं है उस पर आगे काम कर रहे हैं। तो जब एक्सरसाइज वन की बात करते हैं तो इसी पर बात कर रहे हैं कि ये अंतर हमको दिख गया कि मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर जड़ इकाई है, उसके साथ हमारा परस्परता है, सहयोगी यंत्र है, उसका सदुपयोग करते हैं, सब आगे की चीजें सब आपको ध्यान में आ गया। अब आप अपने को देखने का काम कर रहे हैं, तो अपने को देखने का जब काम शुरू करते हैं तो ये काम हम लोगों ने कि जो अपने पर ध्यान देंगे तो आप अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं। ये कल्पनाशीलता भी बड़ा एक मतलब एक मोटी मोटी चीज है, इसमें बहुत सारा डिफाइन चीजें हैं जुड़ी हुई हैं, उसको धीरे धीरे देखते हैं आगे हम लोग। बट ये तो हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे अंदर, नहीं अभी कई बार इसी को विचार कहते हैं। तो विचार का जनरल जो अर्थ मानते हैं अभी सामान्य रूप से वो यह है कि ये जो भी चल रहा है कल्पना चलता है उसी को लोग विचार कहते हैं, ठीक है। हम लोग उसके अंदर एक विचार यहाँ लिखा है उसको विचार कह रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली देखेंगे तो वो विचार है जिसको अभी मैंने परिभाषित किया कि परस्परता में कैसे जीना है, इसका जो विस्तार कर रहे हैं वो विचार है। इसको अगर ठीक से देखेंगे तो इस कल्पनाशीलता को जब आप और फर्दर इसकी डायग्नोसिस करेंगे ना, उसका डिफाइन करके देखेंगे तो तीन चीजें दिखती है उसमें। एक तो भाव दिखता है संबंध में परस्परता में जिसके साथ जीने के बारे हम बात कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में कोई भाव है हमारे, तो संबंध का भाव है, विरोध का भाव है, स्नेह का भाव है या द्वेष का भाव है, ठीक। उस भाव के साथ कैसे जीना है इसका विचार है, ठीक। और वैसा जीने के लिए बाहर क्या करेंगे ना, या बाहर क्या अनुकूलता होनी चाहिए ये आशा है। ये तीनों को मिला के कल्पना चलता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं आपके साथ सम्मान के भाव से जीना चाहता हूँ, ये इच्छा है, ये भाव है हमारा, आपके साथ सम्मान के भाव से कैसे प्रस्तुत करें वो विचार है, उसके लिए बाहर क्या करें ये आशा है, ठीक है। तो जैसे सम्मान के भाव को व्यक्त करना है परस्परता में तो उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कोई अच्छे शब्द बोलकर मैं आपको व्यक्त कर सकता हूँ, कोई गिफ्ट से व्यक्त कर सकता हूँ, है ना। आप आते हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ या आपको आसन देता हूँ बैठने के लिए, ऐसे बहुत तरीके हो सकते हैं, है ना, सम्मान को व्यक्त करने के लिए। तो वो सारा जो कैसे का विस्तार कर रहे हैं हम वो सब विचार है, और उसके लिए आपके साथ अभी क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो जो करने की बात है बाहर वो आशा है। ऐसा तीन चीज होता है, इसको रिफाइन करके देख सकते हैं। बट हम लोगों ने ये कहा कि ठीक है, ये सारे विस्तार को देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भाव को पहचान लें, कि भाव क्या है। तो कल्पनाशीलता को देखना शुरू करें, उसमें क्या भाव है वो देख लें, क्या विचार चल रहा है वो देख लें, थोड़ा विस्तार करेंगे तो क्या आशा चल रही है उसको भी देख सकते हैं। बट हम लोगों ने मेजर फोकस भाव विचार पर रखा है, और उस पर भी भाव के ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। क्यों भाव के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भाव एक ऐसी चीज है जिसको हम सीधा सीधा अपने सहज स्वीकार्यता के आधार पर देख सकते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या सहज है क्या सहज नहीं है, क्या सुखद है क्या दुखद है, इसको देख सकते हैं। तो इसलिए ये कहा कि इस पूरे को देख लें, इसमें जो भाव विचार कर रहा है उसको देख, फिर इस भाव विचार के पीछे कोई ना कोई मान्यता है, ठीक है, वो मान्यता को देख लें। उस मान्यता का कोई ना कोई अधिष्ठान है जहां वो टिका हुआ है, ठीक है। तो वो जो टिका हुआ है जहां वो क्या चीज है उसको हमने जाना है,
या बिना जाने मान लिया। तो मान्यता हमारी मानने के आधार पर ही हो सकती है प्योरली, या जानने के आधार पर भी हो सकती है। तो जानने के आधार पर होगी तो ठीक होगी, मानने के आधार पर होगी तो सही गलत दोनों हो सकते हैं। भाव के पीछे जो मान्यता है वो बहुत सारी हो सकती है, तो कैसे पहचान लेता है कि कौन सी मान्यता है? देखिए आप ध्यान देकर देखेंगे तो आपको एक अनुमान लगने लगेगा कि इस समय ये जो भाव हमारा बना वो किस मान्यता के कारण बना। देखना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि देखिए दूसरे को तो आपका क्या दिखेगा, व्यवहार ही दिखेगा। आपके अंदर क्या चल रहा है, किस मान्यता के कारण ये भाव बना, ये तो आप अपने पर ध्यान देंगे तो आप अपने में देख पाएंगे। सुबह का एग्जाम्पल देखे कि वो घंटी की आवाज आई और डिस्टर्ब हो गए, तो फिर उनको लगा वो डिस्टर्ब हो गए, तो वो मान्यता एक ये हो सकती है कि लोग आपको शोर लगा, आप तो किस मान्यता के तहत आपको ये शोर लगा, ये शोर है ये आपने किस मान्यता के तहत तय किया वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। एक तो क्या क्या मान्यता इकट्ठी है वो आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना, और उसमें से कौन सा मान्यता अभी इसको तय कर रहा था ये भी आप ही को देखना पड़ेगा ना, कोई कैसे बता सकता है। जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि उसको फिर आगे हमको मूल्यांकन करना है उस मान्यता का, और तय करना है कि इसको बनाए रखना है कि इसको बीजा करना है, क्योंकि वो तो हमारे में बीज रूप में पड़ा हुआ है, संस्कार के रूप में पड़ा हुआ है, और कभी भी वो टर्मिनेट हो सकता है, अनुकूल पानी हवा मिला तो टर्मिनेट हो जाएगा वो। तय करने के बाद भी नहीं छूट रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उसको महत्वपूर्ण मानेंगे। अभी किसी चीज का आपने मूल्यांकन किया उसके हिसाब से लगता है कि इसको चले जाना चाहिए, लेकिन कोई और बात है जिसके कारण वो अभी भी आपको महत्वपूर्ण लग रहा है। देखिए आपकी मान्यता को आप खुद होल्ड, जिस समय आपको ये दिख जाएगा कि किसी काम का नहीं है वो गिर जाएगा। बहुत बार उसका एक उदाहरण बता देता हूँ, तो किसी ने पूछा प्रश्न है इसी तरह की बात चर्चा के संबंध में, उन्होंने कहा कि हमारा लाइफ स्टाइल पहले से भी बहुत सिंपल है और हमको पहले भी लगता था कि हमारे पास जो पैसे हैं सुविधा है वो बहुत ज़्यादा है हमारी जरूरत से। अभी इस बात को सुनने के बाद हमको लगा कि और भी कम है जरूरत, जितना हम कम मानते थे उससे भी कम, तो हमारी लभ्यता हमारे पास और बहुत ज़्यादा हो गई है, बट इसको मैं किसी भी अच्छे काम में क्यों नहीं लगा पाता हूँ, लगा पाती हूँ महिला हमारे यहाँ प्रोफेसर थी, तो ये जो कल आए थे है ना जी, उसके पहले पिछला गुप्ता जी हेड थी हमारे, तो उनका ये प्रश्न था कि अभी भी मैं क्यों नहीं अपने साधन को सुविधा को अच्छे काम में लगा पाते। तो ये जो बात अभी ये कह रहे थे ना कि हमारे जो ये सब निर्णय होते हैं वो कई सारी मान्यताओं के साथ जुड़े होते हैं। एक मान्यता ये है कि भाई सुविधा के बिना काम कैसे चलेगा, और सुविधा के लिए तो पैसा चाहिए, तो आपका पैसा इस मान्यता से जुड़ा हुआ है कि सुविधा तो बहुत जरूरी है। अब ये दिख गया कि जरूरत से बहुत ज़्यादा सुविधा है तो उसका जो सपोर्ट था वो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी आपको ये लगता है कि बच्चे की पढ़ाई है, उनका बच्चा विदेश में रहता है ना, और उसका स्वास्थ्य बहुत ठीक भी नहीं है, तो कभी वो बीमार हो सकता है तो उसके लिए जरूरत पड़ सकती है, हम भी कभी बीमार हो सकते हैं तब जरूरत पड़ सकती है, और हम बीमार पड़ेंगे तो कितने का बीमार पड़ेंगे ये पता नहीं है। आजकल तो एक से एक
एक हॉस्पिटल आ गए आपके पास, उस समय पास गए तो इसलिए वो निकल नहीं रहा पैसा अभी आपका, आपको उसकी जरूरत बनी हुई है। बट ये जो सुविधा को लेकर था वो वाला संस्कार मूल्यांकित हो गया, बट उतना पर्याप्त नहीं है, जड़ बहुत है, उसमें से कोई ना कोई जड़ पकड़े हुए। बहुत इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट कभी आप भगवद गीता को पढ़िए और अष्टावक्र गीता को पढ़िए, कभी नाम सुने अष्टावक्र गीता भी आपसे सुना है, अच्छी बात है। तो अष्टावक्र गीता तो कृष्ण जब बात करते हैं अर्जुन से तो वो इन सारे जड़ों को जो है एक एक करके इधर से काटते हैं उधर से काटते हैं, और अर्जुन ये कि एक काट दिया तो दूसरा निकल आता है उसका, तीसरा आ जाता है, आखिर तक यही चलता रहता है। लेकिन लोगों को समझ में आता है क्योंकि उनकी सब समस्याओं को एक एक करके बता रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, अष्टावक्र की बात समझ में नहीं आती है। अष्टावक्र कहता है कि भाई देखो भ्रष्टा है ना, वो तो पहले से जीते हैं, शुद्ध है बुद्ध है, तो उसमें ना तो कोई बंधन है ना मोक्ष है। तो ये जो तुम्हारा बंधन मोक्ष जितना जैसे बात कर रहे ना, वो सब नीचे जी रहे इसलिए है वो, इसलिए सिंपल बात है, आप ऊपर उठ जाओ, खत्म हो गया, अभी अभी उठ जाओ, अभी सुखी हो जाओ। नीचे से तो टूट रहे हैं, ऊपर जुड़ नहीं पा रहे, तो बीच की स्थिति है। उसके लिए फिर श्रीमद् भगवद् गीता जी से लिखनी पड़ती है, उससे सिर्फ ये फिर अष्टावक्र से चलता नहीं। अभी जनक को अष्टावक्र की बात समझ में आ गई क्योंकि वो ऑलरेडी काफी सबसे छूट कर बैठे थे, उनको एक जर्क चाहिए था, उनको एक जर्क से वो हो गया उनका काम। अपन लोग बहुत सारे जड़ बना के बैठे हैं, अभी एक एक को काटते रहना पड़ता है, इसलिए हमने कहा कि दूसरा कोई काटे इससे अच्छा है कि आप ही बैठे बैठे काटते रहिए, रोज सुबह के शाम तक हर चल जो है। तो महाभारत से पहले भी एक गीता है, बहुत सारी गीता है, गीता का मतलब गीत, ओके ओके, ऐसा गीत जिसमें ज्ञान सब गीता है, बहुत सारी गीता है। अब अष्टावक्र के बारे में बात होता है, गीता है ऐसे बहुत सारे गीता है जो अष्टा उसको दत्तात्रेय को मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक अद्भुत गीता है। नित्य और अनित्य का जब विवेक हो गया तो आपको पता लगता है कि जो नित्य है वो तो नित्य है, उसके लिए कुछ करना नहीं है, जो अनित्य है वो तो अनित्य है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। झंझट का है, झंझट यह कि जो अनित्य है उसमें नित्यता हम चाहते हैं, झंझट ठीक है ना, और झंझट ही है। कल्पना चिंता में पहले डिजायर आएगा या थॉट आएगा? आप एक काम थोड़ा करिए, एक तो जब जो बात हो रही ना उसको सुनकर उसका मजा ले लीजिए, फिर वापस चलेंगे हम लोग। आप क्या करते हैं कि जैसे प्लेन टेक ऑफ करने आ रहा होता है बहुत बढ़िया एग्जांपल।
देखिए देखिए ये सब बातें जो होती है वो उस तरह के पूरे वातावरण और उस तरह की उसमें हो पाती है। उस समय बीच में अगर आप उसको वो कर देते हैं तो फिर वो हम सबका कॉन्शियसनेस उस लेवल पर जा नहीं पाता जहाँ ऐसा बात हो सकती है। यही आनंद है। यहाँ होने के बाद है इस जगह पर उसका कुछ ग्लिम्स अपने को मिलना चाहिए। तो इन सब चीजों का अगर ग्लिम्स कोई मिलता है हमको तो फिर वो भी एक जीने की जगह है इस बात का भरोसा होता है तब तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे। अगर वो ग्लिम्स नहीं मिलता है तो फिर बहुत प्रयास करना भी नहीं बनता है। तो ये सब जो भी चर्चा है उसका कार्य ये हो सकता है कि भाई है ना इस चर्चा के दौरान इन चीज़ों पर ध्यान दिलाया जा रहा है वो ध्यान देते देते एक जगह पर उसका आप है ना आप उस जगह से खड़े होकर देख पाते हैं भले थोड़े क्षण के लिए देखें बट एक बार वो ग्लिम्स मिल गया तो वो एक वास्तविकता के रूप में दिखने लगता है। ये एक वास्तविकता है और इस पर हमको काम करना है वो भरोसा बनता है वो जरूरी है। उनको पूरा मैं बता देता हूँ। आप इच्छा और विचार की बात कर रहे थे ना तो वो तो मैंने बताया था कि जो भाव है आपका जैसे सम्मान का भाव संबंध का भाव इसको इच्छा कह रहे कि मुझे संबंध के भाव से जीना है। उस भाव से कैसे जिएंगे इसका जो विस्तार है वो विचार है। पहले क्या आएगा कल्पना से उसमें ठीक से अगर मतलब होने के सिक्वेंस के रूप में देखेंगे तो इच्छा के आधार पर ही विचार होता है क्योंकि बिना इच्छा के विचार क्या हो। पहले विचार नहीं है नहीं आपको पहले करना तो आप पहले कर लीजिए। ऐसा रूल तो नहीं है रूल तो देखिए आप उनसे अगर पूछेंगे कि बीच से पौधा निकलेगा कना बनेगा है ना उसमें जो है पत्ती लगेगी फूल लगेगा फल लगेगा आप कहेंगे तना क्यों नहीं आ सकता पहले पहले तना कर लीजिए हम क्या प्रॉब्लम। लेकिन नियम तो यही है कि बीज होगा उसी से अंकुरण होगा उसी से पौधा बनेगा ठीक नियम तो यही है ये जो बट आपको कुछ अदरवाइज करना तो आजकल सब साइंटिस्ट यही कर ही रहे हैं। भैया एक क्वेश्चन पूछना था ये जो इच्छा और आशा है इसमें मुझे कंफ्यूजन होती है इनको साथ में लेकर चलना जरूरी है या भाव से ही काम चल जाता है। भाव से हाँ इसीलिए हम लोग भाव से ही काम चला रहे हैं। ऐसे अंतर क्या देख लीजिए जब भाव की बात करते हैं ना तो ये ऐसी चीज है इच्छा की जब बात करते हैं तो हमें होना है जब आशा की बात करते हैं तो बाहर होना है ये फोकस है इन दोनों का अंतर ये ठीक है ना। तो इच्छा की जो बात हो रही है भाव की जो बात हो रही है वो हमारे में भाव ठीक होना है। आशा की जब हम बात करते हैं तो बाहर जो है मैं दूसरे के साथ ऐसा प्रस्तुत हूँ या दूसरा हमारे साथ ऐसा प्रस्तुत हो ये फोकस है आशा का। अभी क्या है ज्यादातर लोग इच्छा के नाम पर आशा ही करते रहते हैं ज्यादातर जो हमारा फोकस है वो आशा पर ही रहता है उसी को हम इच्छा भी नाम दिए रहते हैं इसलिए बहुत समय तक ये कंफ्यूजन बना रहता है कि इच्छा क्या है और आशा क्या है या इन दोनों में अंतर भी कुछ है कि नहीं। सर एक कंफ्यूजन है कि इतनी मैं ठीक से आर्टिकुलेट कर पाऊंगा सर एक तो बात ये जो सारी चर्चा हो रही है या इतना पीछे भी सोच विचार का काम है ये बात तो स्पष्ट होती है कि व्यक्ति के सुख पूर्वक जीने का ये एक वस्तु कार्यक्रम दिखाई देता है प्रक्रिया दिखाई देती है। लेकिन अगर पूरे समाज के स्तर पर भी देखें तब भी ये ऐसे दिखाई देता है कि शिक्षा में ना इसका मुख्य धारा होना जरूरी है या लेकिन अभी की जो स्थिति है या अगर इतिहास में भी बहुत सारा देखें तो जिस तरह से अलग अलग समय में अलग अलग समाजों में जबर जुल्म हुए और वहाँ पे जो कि
शस्त्र का, हथियारों का प्रयोग हुआ, उपयोग हुआ, या आज भी वो सब कंटेक्स्ट बने हुए हैं कहीं पर यूक्रेन हुआ है या कहीं पर देश की, तो क्या ये सब भी होने के लिए शस्त्र का प्रोटेक्शन बनाए रखना जरूरी है, या उससे शस्त्र से भी कभी आदमी मतलब मानव समाज जो है वो मुक्त भी हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तो उस तरह के लोग, ऐसी विकृत चेतना के लोग, विकृत संस्कार के लोग हमेशा हर देश काल में बने ही रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी ऋषि को यज्ञ भी करना रहा है तो कुछ उस तरह से है ना संरक्षण के लिए लोग हमेशा बने ही रहे हैं, तो क्या ये समाज के सही समाज के फॉर्मुलेशन में भी ये सब चीज़ आएगी कि एक जगह यज्ञ भी चलेगा तो कुछ उस तरह से लोग संरक्षण के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा हमेशा रहेंगे। देखिए इसके लिए भाषा हम कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये तीन कंपोनेंट तो महत्वपूर्ण है, एक है पोषण का या समर्थन का, दूसरा है संरक्षण का, और तीसरा है सदुपयोग। तो किसी भी साथ चीज के साथ आप जीने जाएंगे तो उसमें ये तीन चीज़ें जरूरी हैं। जैसे शरीर के संदर्भ में देखें तो शरीर का पोषण करना, शरीर का संरक्षण करना और शरीर का सदुपयोग करना, इसका तो इसमें किसी में छोड़ नहीं सकते। अब यह है कि पोषण और संरक्षण को देखेंगे तो किसी भी इकाई की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो उस व्यवस्था को पुष्ट करना और उस व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, तो पुष्ट करने के लिए पोषण और बनाए रखने के लिए संरक्षण, और उसकी जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है ना, उसके अर्थ में सब उपयोग। इतना अभी करने का काम किसी भी चीज के साथ करने जाए तो ये जो संरक्षण वाला भाग है, जो आपका प्रश्न है वो संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, व्यवस्था बनी हुई है उसको बनाए रखने के लिए जो करना है वो संरक्षण है। उसकी जो व्यवस्था में भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना, यही सदुपयोग। उसकी व्यवस्था को पुष्ट करना के लिए पोषण है, उस व्यवस्था को जो पुष्ट किया बनी उसको बनी हुई उसको बनाए रखने के लिए जो करते हैं वो संरक्षण है। तो पुष्ट करने के लिए जो करना है वो समझ में आ जाए वो हम करें, संरक्षण करने के लिए जो करना है वो करें, सदुपयोग करने के लिए जो करना है वो करें। इसमें क्या है कि बाकी तीन अवस्थाओं को देखते हैं अगर, तो उनका क्या है कि वो भी ऑलरेडी व्यवस्था में है और व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, तो वो हम समझ लें तो उनके साथ काम हो सकता है। उसमें भी जब आपको ये दिखता है कि किसी इकाई के कारण व्यवस्था में कोई व्यवधान हो रहा है तो आपको उसको रोकना ही पड़ता है, और कई बार बलपूर्वक रोकना पड़ता है। तो आपने खेत में वह फसल लगाई है और एक बैल आकर खाने लगता है तो क्या करते हैं, उसको भगाते ही कि नहीं, उसके लिए शिविर चलाने से तो काम होगा नहीं। तो पहले आवाज देते हैं, आवाज से नहीं होता है ना, तो डंडा मतलब उसको इशारे से भगाते हैं, नहीं भागते हैं, डंडा चलाते भी हैं, ये सब करते हैं आप कि नहीं। अब आदमी पर आ गई, आदमी के लिए अच्छा तो यही है कि उसको सही क्या है समझ में आ जाए, व्यवस्था समझ में आ जाए, व्यवस्था में वो जीने लगे और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोगी हो जाए। तो व्यवस्था को पुष्ट करने का काम करे, व्यवस्था को संरक्षित करने का काम करे, और उसका जो सदुपयोग हो सकता है बड़ी व्यवस्था में उसको करे। अगर कोई नहीं कर रहा है और एक जगह पे जाकर पशुवत व्यवहार करने लगा तब क्या करें, तो आपका भाव तो स्नेह का होगा लेकिन दंडना तो जरूर पड़ेगा ही, नहीं। आप भी यही करते हैं, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलते हैं, आपका भाव अंदर सही हो
लेकिन आवाज तो ऊंची करनी पड़ती है, नहीं तो उसको कभी ध्यान ही नहीं जाता, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा ऊंची आवाज करते है, ऊंची आवाज से ही नहीं काम चलता, थोड़ा घेरते घाटते है ये सब करते रहते हैं। अब कब आपको कौन सा हथियार उठाना पड़ा, ये तो सारा योग संयोग की बात है। बट करते ही है, रुचि करते हैं कि नहीं करते। परिचय शिविर चलाते हैं, उसमें जो मनोरोग आते हैं मार्च पे, उसको तो आप अनेक तरह से नियंत्रित तो करना ही पड़ता है, नहीं तो वही चलाने लगे आपके लिए शिविर। तो अब आप कौन सा हथियार प्रयोग करते हैं, कब करते हैं, ये सब जो है नियंत्रण की बात है, बट वो व्यवस्था को बनाने का तरीका नहीं है ना। उसके आधार पर आप व्यवस्था बना सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एक संरक्षण का मुद्दा है। अभी गलती क्या होती है, हम उसी को व्यवस्था को बनाने का आधार मान लेते हैं, यहाँ गलती है। तो जो पशुवत व्यवहार है उसके लिए आपको तो कुछ ना कुछ स्थूल रूप से ध्यान आकर्षण कराना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। एक सर सिख इतिहास में गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे मतलब प्रसंग आता है कि जब औरंगजेब के साथ लड़ाई चल रही थी, तो मैदान में जब औरंगजेब की टीम के लोग घायल हो रहे थे, तो कोई उनको इनकी टीम से, गुरु गोविंद जी की टीम से उनको पानी पिला रहा था, तो व्यक्ति की शिकायत हुई कि भाई देखो ये तो पानी पिला रहा है और यहाँ युद्ध लगा हुआ है और उसने हमारा इतना डैमेज कर दिया है। तो उन्होंने उसको बुलाया दरबार में, उसको बोला कि ठीक है घायल हो रहा है तो उसकी पानी पिलाने के साथ में मरहम पट्टी भी करो। और एक जगह उन्होंने फारसी की शायरी में ये भी लिखा है कि जब सारे मोड़ जो हैं वो गलत को रोकने के रुक जाएं, ख़त्म हो जाएं, बंद हो जाएं, तो जो तलवार का या सॉल्ट का उपयोग है वो ग्रेट और पायस है। और एक जगह ये भी बोला है कि जिन प्रेम की हो तिन ही पर पाए हो। तो मतलब ये अलग अलग कंटेक्स्ट में ये चीज़ों को सही दृष्टि से जोड़ कर देखना भी ज़रूरी है। मतलब जो विरोधी है उसको रोक भी रहे हैं और उसके सैनिक को जो है पानी भी पिला रहे हैं, फिर मरहम पट्टी भी कर रहे हैं। देखिए महाभारत को पढ़ने से ना एक अच्छी बात ये धीरे धीरे समझ में आती है कि बड़ी ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देख रहे हैं। तो अगर युद्ध भी चल रहा है तो शाम को सूर्यास्त होने के समय तक युद्ध बंद हो रहा है और उसके बाद सभी लोग दूसरे के कैंप में जाते हैं, उनके शिविर में जाकर उनका हाल चाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कम्युनिकेशन नहीं हो गया, बात बंद हो गई है, दूसरे को है ना वो देख रहे हैं। एक युद्ध है धर्म धर्म को लेकर उसका वो चल रहा है, उसके तहत ये लड़ना जरूरी है, उसको लड़ रहे हैं, बट हर दिन मिलना जुलना है। और युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी जो भी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। तो ये ठीक है, जैसे गंधारी ने श्राप दिया कृष्ण, तो कृष्ण ने कहा कि हम तो स्वीकारते हैं आपका श्राप, क्योंकि जो आपके साथ हुआ आपके लिए तो दुखद रहा, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये जिंदगी की बात है कि धर्म अधर्म में किसके साथ हम खड़े हैं, और कोई असर में इतना लिप्त होगा कि उसके बने रहने का कोई उपाय नहीं, तो ये सब करना पड़ा। बट आपका मैं सम्मान करता हूँ, आपके श्राप का भी सम्मान करता हूँ, तो ये झगड़ा नहीं है, वेश नहीं है, लेकिन ये जो संरक्षण के लिए करना है ना। लेकिन अभी इसी कंटेक्स्ट में दो क्वेश्चन होता है, एक तो ये कि किसी भी काय के लिए जब संवर्धन संरक्षण और सदुपयोग की बात होती है तो ये दिखता है कि प्राथमिकता जो है सदुपयोग से होगी, उसकी भागीदारी से वो प्रायोरिटी पर रखी जाए, क्या ये पहली बात ये ठीक है? नहीं देखिए आप कहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, सदुपयोग का मतलब बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, इसका मतलब आप बड़ी व्यवस्था को महत्व दे रहे हैं, उसके समर्थन के लिए इसको वो कर रहे हैं।
व्यवस्था ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो ये कैसे तय करें कि व्यवस्था में भागीदारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट ये है कि बड़ी व्यवस्था में भागीदारी में ही छोटी इकाई की सार्थकता है। इस तरह से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, बट महत्वपूर्ण तो दोनों ही है, क्योंकि दोनों को सुनिश्चित नहीं करेंगे तो काम चलेगा। ये तो एक हो गया जिसको आप कह रहे हैं कि दोनों महत्वपूर्ण है, आप कहाँ से देख रहे हैं, और छोटी जो इकाई है उसकी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो बड़ी व्यवस्था में क्या भागीदारी है। अगर उस नजरिए से देख रहे हैं तो सदुपयोग को हम प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। एक जो दूसरी बात है जो एग्जाम्पल के थ्रू है कि खेत है और वो कोई बैल या सांड आकर के उसको खाना शुरू करता है, अब उस फसल के संरक्षण के लिए हम पहले कुछ उपाय लगाते हैं, जरूरत पड़ने पर डंडा लेके बैल के पीछे भागते हैं, तो ये दिखता है कि हाँ हाँ ऐसा करते हैं, तो अपने आप से आंसर आता है कि हम ऐसा ही करते हैं। वही दूसरी तरफ परंपरा में जब ये भी बात आती है कि एक ऐसे संत थे कि उनके लिए रखी हुई कुछ रोटी रखी हुई थी और एक कुत्ता रोटी लेकर भागता है तो वो पीछे पीछे मक्खन भी लेकर भागते हैं कि अरे भाई ये तो इसको रोटी क्यों खाए, मक्खन दिया जाए, या अगर इसको उस परंपरा के उस एग्जाम्पल को हटा दें और दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से लाएं तो हम दिखता है कि हमारी दृष्टि संकुचित है कि हम अपने अनाज के लिए जो बैल आता है उसको मारते हैं कि भैया मेरे हिस्से का अनाज तुम ले जा रहे हो। क्या हमारी दृष्टि इतनी व्यापक है कि हम देख पाए कि वो बैल भी अपने हिस्से का अनाज ले रहा है और हम उसे न मारे, इसको हम कैसे विचार में चलाएंगे? इसमें एक बात और भी है जैसे कि जैसे सब लोग रहे हैं बैल बनाने के लिए, लेकिन बैल से बनाने को बैल से अपने खेत को बचाने के लिए जो हम अपना उपयोग करके उसमें जो फेंसिंग वगैरह लगा दे रहे हैं, कटीले तार लगा दे रहे हैं, कटीले तार भी लगा दे रहे हैं जिससे कि घायल हो जाने पर बहुत बुरी स्थिति में बैल या जो भी कोई जानवर परिस्थिति में आ जा रहा है, उसमें भी तो एक विचार करने की बात है कि उसको हम कैसे कर सकते हैं। वही उसको बहुत छोटा करके देखेंगे तो नहीं समझेंगे, उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा कि आप कुत्तेगत व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। इसे अपने खेत तक उसको रखेंगे तो उससे आंसर मिलेगा। आंसर तो इसी से मिलेगा कि भाई हम में से हर व्यक्ति व्यवस्था के लिए काम कर रहा है, वो कर रहा है तो फिर ये सब चीजें धीरे धीरे होंगी। जैसे बुंदेलखंड में अभी भी अन्ना प्रथा चलती है, अन्ना प्रथा का मतलब है कि एक समय तक खेती वहाँ पर होती है, पूरे समय तक खेती होती भी नहीं है क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है उस पर, तो वो खेती होने के बाद सब लोग अपना पशु को छोड़ देते हैं, तो सबके खेत में जाता रहता है अपना जो मिलता है वहाँ पर। जिन जगहों पर एक से दो बार तीन बार खेती होने लगी उन सब लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कि भाई बांध के रखेंगे पशु। तो जैसे आप वेस्टर्न यूपी में देखेंगे तो वही खुले पशु नहीं मिलते, चराने का समय सिस्टम एक समय तक था लेकिन अब बोलने का वो भी उस तरह की जमीन ही नहीं बची है तो वो भी खत्म हो गया, तो बांध के रखते हैं खिलाते हैं, तो सिर्फ डंडा लेके मारने का मुद्दा नहीं है, उसको एक व्यवस्था देने का भी मुद्दा है, तो उसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। और ये तो ठीक ही है, लेकिन जो उदाहरण हम ये कुत्ते का भी लेकर दौड़ना आपके पीछे, उसमें मुख्य मुद्दा तो ये कि भाई भाव हमारे सबके प्रति ठीक है, पशु के प्रति भी ठीक है, बट पशु के अंदर वो विवेक अगर हो तब तो ठीक है, अगर वो विवेक नहीं है तो आपको अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, तो वो जिम्मेदारी का काम है, हथियार उठाना कोई मतलब ऐसा चीज नहीं कि कोई भी हथियार उठा ले, हथियार उठाने के पहले बहुत सारी जिम्मेदारी आपके अंदर होनी चाहिए, उस जिम्मेदारी से आप चाहते हैं तभी उठा सकते हैं तो नहीं उठा सकते। इसीलिए अगर ठीक उसमें देखें ना तो जो जिसको भी गुरु माने हैं तो एक स्थिति थी उनकी है ना और उस लेवल की जिम्मेदारी थी तो उनको स्वीकारा गया, तो नहीं स्वीकारा जाता
तो ऐसे लोगों का मार्गदर्शन जब तक रहता है तब तक वो ठीक चलता है, नहीं तो आपस में झगड़ा लड़ाई करने लगा। ठीक बढ़िया, मैं दो तीन बातें करके 15 मिनट में पूरा कर लेता हूँ। तो ये कहा हम लोगों ने कि इसको समझना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है, जांच परख होना जरूरी है। इसके और पीछे जाएंगे है ना, ये तो तीनों आशा विचार इच्छा ऐसा, इसके और पीछे जाएंगे तो एक स्टेप ये है कि यहाँ पर जो चल रहा है उसको हम लोग संस्कार कहते हैं। यहाँ जो तय हो रहा है इच्छा में भाव में, वो कुछ ना कुछ हमने यहाँ पर या तो जान रखा है या मान रखा है। तो इसी इकाई के होने के बारे और इसकी भागीदारी के बारे में हमने कुछ मान रखा है, उसको हम संस्कार कह रहे हैं। वो मानना जानना के आधार पर भी हो सकता है, बिना जाने भी हो सकता है। तो इस पर जब ध्यान जाता है और इसमें भाव पर ध्यान जाता है तो भाव के पीछे क्या मान रखा है व्यवस्था के संदर्भ में, व्यवस्था में भागीदारी के संदर्भ में, उसको समझना जरूरी है, उसको देखना जरूरी है। अभी हम लोग उसको संस्कार कर रहे हैं, उसको मान्यता क्या है। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ से भी काम नहीं चलेगा, इसके और पीछे जाना है तो हमको इस जगह पर आना है जो अनुभव का नाम है। तो दृष्टा की जगह पर, साक्षी की जगह पर खड़े होकर हमको देखना है, वहां से जो देखते हैं उसमें कोई दोष नहीं होता, वो सही होता है, नित्य होता है, सूची होता है। तो ऐसा क्रम से हमको नीचे से ऊपर तक जाना है। पहले तो शरीर मान के चल रहे थे, उससे हम अपने होने को समझ लें, मैं के होने को वहां पर काम शुरू करें, उसमें कल्पनातीतता पर काम शुरू करें, उसमें भाव पर काम शुरू करें, भाव के पीछे जो संस्कार है उस पर काम शुरू करें, और अंततः तत्व दृष्टा की जगह पर जाकर हमारा जीने का केंद्र बन जाए। ठीक है, ऐसा क्रम से ऊपर जाना है। बट अभी जो हम लोग अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास को अगर देखेंगे तो उसमें एक जंप हम लोग कर रहे हैं। जंप ये कर रहे हैं कि जब भाव को देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये भाव हमको सहज स्वीकार है कि नहीं, ठीक है, तो क्या सहज स्वीकार है क्या नहीं है वो यहाँ से देख, यहाँ पर क्या स्वीकार है वो जगह है जहाँ दृष्टा की जगह जहाँ से हम देख रहे हैं, और इसीलिए इसमें कोई भेद नहीं मिलता, अंतर नहीं मिलता हमारे सह स्वीकृति में, आपके सह स्वीकृति में, सबका सह स्वीकृति एक जैसा है और वो बदलती भी नहीं है समय के साथ, देश के साथ, काल के साथ नहीं बदलता है। तो उसको हम लोग इन्वोक कर रहे हैं। तो पूरे एक्सरसाइज को अगर देखेंगे तो एक तो शरीर से ऊपर उठकर अपने पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं, तो जो S1 है उस शिफ्ट से शुरू किया, और दूसरा S3 को हम इन्वोक कर रहे हैं दृष्टा के होने का नोट ले रहे हैं और उसको बेस में रखकर फिर कल्पना चिंता की सफाई का काम कर रहे हैं, संस्कार की सफाई का काम कर रहे हैं। इससे एक एडवांटेज ये है कि हमको एक बेसिक रेफरेंस मिल जाता है शुरू से ही जिसके आधार पर हम काम करते हैं। अन्यथा क्या है, वो बेसिक रेफरेंस अगर आपको नहीं मिलता है तो अपने पर बहुत भरोसा नहीं बनता और ऊपर उठने का जो एक वो चाहिए फोर्स वो नहीं मिलता है, तो बहुत कठिन हो जाता है काम। बट ये मिल गया है एक बार सपोर्ट हमको, तो उस सपोर्ट से हम ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 1 का स्टेप 1 है वहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हमको चीज़ों को देखना है ना, देख के मूल्यांकन करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। ये प्रतिक्रिया नहीं करना है एक बहुत स्ट्रांग मतलब जो है कंडीशन है, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं करने का काम तो यहीं से हो सकता है। उससे अगर नीचे आएंगे संस्कार के लेवल पर आप होंगे तो प्रतिक्रिया करेंगे, कल्पना चिंता के लेवल पर रहेंगे तो प्रतिक्रिया करेंगे। तो यहाँ बने रहना ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है, वही हम पाना चाहते हैं, वहीं से शुरू भी कर रहे हैं।
लेकिन बार बार हम शिकार के इधर आ जाते हैं तो बहुत कुछ प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, पर फिर ध्यान चला जाता है, फिर वहां चले जाते हैं, फिर वहां से देखते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। तो दो घटना घटती है, एक तो जब हम उस विचार में डूब जाते हैं, क्या वो भी प्रक्रिया का ही हिस्सा है? एक तो प्रक्रिया करते हैं कि ये क्यों विचार ऐसा चल रहा है, तो वो तो प्रक्रिया है, सामान्यता दिख रही है। अगर आप कह रहे हैं कि उसको वहीं पे बने रहना ही, तटस्थ रहना ही, प्रक्रिया न करना है, तो इसका मतलब कि विचारों में हो जाना भी प्रक्रिया करना ही है। और क्या, डूब जाते हैं का मतलब यही है, तटस्थ और डूब जाने का दोनों का मतलब कम्प्लीमेंट्री है। कुछ चल रहा है या फिर लगा कि ये अननेसेसरी चल रहा है, मतलब तो एक तो वो प्रक्रिया बहुत सिंपल से देखी जाती है, मतलब विचारों में जो डूबे हुए हैं वो तो डूबने की वजह से क्या हो रहा है कि हर पल हर क्षण विचार नहीं देखा जा पा रहा है, क्योंकि डूब गया फिर थोड़ी बात फिर भंग हुआ कह रही। तो ऐसे ही ना देखिए क्या है, हमारे यहाँ दोनों को पहचाने, राग और द्वेष दोनों को ही एक कैटेगरी में रखें कि उसमें डूब गए, ये भी एक तरह का प्रॉब्लम ही है, और उससे हटने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। हम किनारे खड़े होकर देख सकते हैं कि नहीं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं, ये मुख्य बात है। तो मोह होना ये भी गड़बड़ है और द्वेष होना ये भी गड़बड़ है। तो हम क्या हुआ, विचार के मोह में चले गए, तो है तो वो भी प्रतिक्रिया। एक जो है अच्छा लगता है, एक अच्छा नहीं लगता है। एक चीज अभी अपनी सूची को, राग शब्द है ना जी, राग द्वेष, राग द्वेष, तो संस्कृत में राग का मतलब होता है लगाव, लगाव, उसी में आप लगे रहते हैं, ठीक है। मराठी में जो है राग का मतलब होता है गुस्सा, बंगाली में भी होता है राग का मतलब गुस्सा, क्योंकि ठीक से देखेंगे तो गुस्सा आने का पहला स्टेप तो राग ही होता है। हाँ, जिसे लगाव है उसी गुस्सा है। जिसके साथ लगाव है उसमें अनुकूलता ना मिले वही गुस्सा है, और कैसे गुस्सा है। संगीत का राग वो एक और राग है, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ तक जाना है, एक तो ये बात, और ये हमको अभी जो मैं हम लोग शेयरिंग भी किए उस कॉन्टेक्स्ट में किए थे कि ये सिर्फ कुछ लोगों को करना ऐसा नहीं है, ये हम सब के लिए जरूरी है, हर मनुष्य के लिए जरूरी है, हर सेल्फ के लिए जरूरी है, वहाँ तक जाना। और वहाँ तक जब जाते हैं तो लौट कर जो आने का रास्ता है वो ऐसा है कि यहाँ जो हमने अपने को देखा दृष्टा के रूप में, और ये जो बात हम लोगों ने कही कि आत्मा का मतलब व्यापकता के साथ देख सकता है, व्यापक को देख सकता है, तो यहाँ पर हमारी कैपेसिटी है कि हम अपने को भी देख सकते हैं, व्यापक को भी देख सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो वहाँ हम अपने को देख पाएँ, व्यापक को देख पाएँ, व्यापक के अस्तित्व में अपने होने को देख पाएँ, इसी तरह से हर इकाई के व्यापक के अस्तित्व में होने को देख पाएँ, ये काम यहाँ होना है। ये काम हो गया, उसके तहत हर इकाई के होने की जो व्यवस्था है उसको देख पाना, उसकी जो व्यवस्था में भागीदारी है उसको देख पाना, जो परस्परता में संबंध है उसको देख पाना, इतना देखना हमको जरूरी है, ठीक है ना। ये इतना जो देख रहे हैं उसको हम ब्लॉक B1 कह रहे हैं, ये ब्लॉक B1 का ठीक ठीक एक्टिव होना जरूरी है। इतना हो जाए तो हम अपने में पूरी तरह से आराम में हो जाते हैं। तो हमको स्वस्तित्व के बारे में दिख रहा है, अपने होने की व्यवस्था के बारे में दिख रहा है, अपनी व्यवस्था में भागीदारी भी दिख रही है, दूसरे इकाई के होने की व्यवस्था भी दिख रही है, दूसरे इकाई की व्यवस्था में भागीदारी वो भी दिख रही है। तो देखने का जितना काम था वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो ये जगह भरना जरूरी है, ये जगह भर जाए तो ये जो एरो है ना, रेड एरो है,
ये इसके द्वारा हम अपने भाव को तय कर सकते हैं, इच्छा को तय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो संबंध यहाँ अस्तित्व दिखता है, यहाँ व्यवस्था दिखती है, यहाँ पे संबंध दिखता है। इन तीनों के अर्थ में हमारा भाव हमेशा चित्रण हमेशा चलता है। उसी के अर्थ में विचार करते हैं, उसी के अर्थ में आशा करते हैं। इतना करते हुए हम अपने में जिसको हम कह रहे हैं कि हमको कैसे परस्परता में जीना बेटी हमको स्पष्ट करता है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो ये बताता है कि क्या है व्यवस्था, क्या है व्यवस्था में भागीदारी, क्या है और मेरी भागीदारी क्या है। ये जो येलो वाला भाग है उसमें हम तय करते हैं कि उस भागीदारी को हम कैसे निर्माण करेंगे। तो इतने से हमारा तृप्ति का काम पूरा हो जाता है। ये जो सेल्फ कह रहे हैं, चैतन्य कह रहे हैं, कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, उसकी जो तृप्ति का काम है वो इतने में पूरा हो जाता है, ठीक है। इतने के साथ अब हम वैभव के रूप में बाहर कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब वैभव बाहर लगे हुए हैं, ये सब आप बाहर से कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे हैं, पा के सुखी होने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो जीवन में काम हो गया उसके आधार पर हम सुखी हैं, ठीक है। उसके आधार पर कल्पना सिद्ध को हम ठीक ठीक चला रहे हैं, उसके आधार पर हम सुखी हैं, हमारा सुख की निरंतरता है। अब हम सुखपूर्वक बाहर कुछ करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो व्यवहार करेंगे, मानव के साथ कार्य करेंगे, विशेष प्रकृति के साथ और व्यवस्था में भागीदारी करेंगे, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक। उसको ठीक ठीक करेंगे तो उससे उभय सुखों का उभय समृद्धि होगी, मानव लक्ष्य की पूर्ति होगी। उसको विस्तार करेंगे विश्व तक तो विश्व परिवार व्यवस्था में अखंड समाज होगा, सार्वभौम व्यवस्था होगी। ये सब क्या है, वैभव है हमारा, ये हमारी बाध्यता नहीं है। ये दूसरा है वो हमारा स्वभाव है, अपने स्वभाव के साथ हम सुखी हैं। सुखपूर्वक हम वैभव के रूप में संबंध को किसी पहचान लिए हैं, व्यवस्था को पता कर गया हमको, तो संबंध और व्यवस्था के अर्थ में परस्परता में हम व्यक्त हो रहे हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार करके, नियमपूर्ण कार्य करके, धर्मपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी करके, और उसके फलस्वरूप ये समाज है ना, मानवीय समाज, मानवीय व्यवस्था वो सुनिश्चित होती है। तो इतना उसका सारा विस्तार है, ठीक है ना। ये विस्तार जो है, जो मैं बार बार इंगित करता रहता हूँ कि ये हमारा वैभव है, ठीक है। हमारे सुखी होने के लिए हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम सुखी हैं सुखी होके कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे तो ये पूरा जो काम यहाँ पर हो रहा है ये सेल्फ डेवलपमेंट का काम है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जितनी चर्चा हुई ये सेल्फ डेवलपमेंट का काम है। कितना हम सबको अपने में करना ही है, अपनी जरूरत के लिए अपने में सुख स्वभाव के रूप में टिक जाए और स्थिर हो जाए, इसके लिए जरूरी है। इसके साथ जब हम व्यक्त होंगे वैभव के रूप में तो ये सब करेंगे, यहाँ तक पहुंच पाए, इसको सोसाइटल डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन ये सोसाइटल डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए जो भी हमको करना है, उसके जो भी स्पेसिफिक काम है, उसको हम एक एक के रूप में तो करेंगे नहीं। जब समाज का काम है, संगठन का काम है, तो संगठन के रूप में करेंगे। तो उन कामों के लिए टीम डेवलपमेंट की बात है। तो जो हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे कि हम खुद निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी सके और पूरे समाज का हर व्यक्ति सुख समृद्धि पूर्वक जी सके, है ना। ये जो हमारा लक्ष्य है, ये जो हमारा विजन है ना, विजन का जो पर्पस है, उस पर्पस को पूरा करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट का काम, फिर टीम डेवलपमेंट का काम, फिर सोसाइटल डेवलपमेंट का काम, ऐसा तीन काम हम लोग को करना है। उसका फाउंडेशन जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट है, तो उस काम को तो करना ही, अपने के लिए और परस्पर काम में व्यक्त होने के लिए। तो ये तीनों काम है जिस पर हम लोग थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। जो सोसाइटल डेवलपमेंट के तहत हम लोग अभी क्या सोच रहे हैं, ये भी टीम क्या सोच रही है, कर रही है, उसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, आगे के सेशन में उस पर बात करेंगे।
उसमें क्या क्या स्पेसिफिक एक्टिविटीज हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वो ध्यान में आ जाए। उसमें से आप क्या भागीदारी कर सकते हैं, उसको आप पहचान सकें। और यहाँ जो लोग आए उनसे हम लोग की जो अपेक्षा है वो ये है कि वो लोग उन एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स की ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का जो काम है, जिम्मेदारी है, उसको स्वीकार सकें और उसको ठीक से निर्वाह कर सकें। ऐसे लोगों को हम अभी यहाँ पर जिनको आमंत्रित कर रहे हैं वो इस आशय से कर रहे हैं कि वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं काम, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बट अब वो उसको एक मतलब ओवरऑल जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उसको कर सकें। उसमें जो गाइडेंस की जरूरत होगी वो तो जो लोग पहले से इस सब काम को कर रहे हैं उनका गाइडेंस उपलब्ध रहेगा, बट आप अपनी जिम्मेदारी पर उस काम को कर सकें, ये उसमें अभी इस कम से कम जो सत्र भी हम लोग कर रहे हैं उसमें ये अपेक्षा है। तो जैसे अभी सुबह चर्चा हो रही थी कृष्ण जी से और शिव जी से, तो ये बात हुई कि ऑनलाइन वर्कशॉप से हिंदी वाला है उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ये दोनों लोग परिवार के रूप में जिम्मेदारी को स्वीकार के और उसमें जो भी गाइडेंस है उसकी भी जिम्मेदारी और इस काम को देख रहे थे उसका गाइडेंस उपलब्ध रहेगा। और निशा जी से बात हो रही थी तो निशा जी ने इस बात की जिम्मेदारी स्वीकारी है कि जो यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ जो रेगुलर मिलना है, मीटिंग करना है, उनके साथ प्लानिंग करनी है, यूनिवर्सिटी में काम को कोऑर्डिनेट करना है, उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम वो देखेंगे। तो एक कॉन्टेक्स्ट अगर देखेंगे पूरे का तो ये है, इतना काम होना है उसमें से हमको अपने पर लिए क्या काम करना है, फिर टीम के लिए काम करना है और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए क्या काम करना है, उस कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट की बात है, तो उसको आप सारा देख लीजिए। ये जो भागीदारी है हमारी उसका एक एडवांटेज ये तो है कि जब आप भागीदारी करने जाते हैं तो उसमें दूसरों का जितना आप उपकार करें उससे ज़्यादा आपका उपकार है। तो मैं कहता रहता हूँ शुरू से ही कि जब ये वर्कशॉप आप लेते हैं ना उसका तीन उपकार है आपके ऊपर। एक तो क्या है कि जब आप वर्कशॉप लेने जाते हैं तो बहुत सारी बातें जो आपने सुनी थी और उस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि आपको महत्वपूर्ण नहीं लगी अभी आपके लिए, लेकिन जब आप दूसरे से बात करने जा रहे हैं तो सब कुछ महत्वपूर्ण है तो उन सब चीज़ों पर ध्यान जाता है। दूसरा क्या है कि इतना ध्यान भी देते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बहुत नहीं रहती, तो जब आप इंटेंसिटी से ध्यान देते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें जो पहले समझ में नहीं आई थी वो समझ में आ जाती। तो जो लोगों ने भी सेशन लिए हैं उनका एक्सपीरियंस ये है कि बहुत सारी बातें उस सेशन में दूसरों को बताते समय आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि वो फ्लैश आपको होता है कि अच्छा ये बात थी, ये दूसरा एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज ये है कि जब आप खड़े होकर दूसरे से कह रहे हैं है ना, तो आपको ये जिम्मेदारी तो महसूस होती है कि भाई हमको भी उसको जीना है और जीना है तो फिर उसके हिसाब से योग्यता विकसित करनी है, तो अपने पर ध्यान जाने की दृष्टि से भी उपयोगी है। तो इसलिए भागीदारी को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके साथ ये सब काम ठीक से हो सकता है, अन्यथा जो है आप भागीदारी करते हैं नहीं करते हैं तो आपको जितना इमीडिएट कंसर्न की चीज़ लगती है उतने को ही ध्यान देते हैं, उससे फैल नहीं पाते जाते। तो जिन लोगों ने भागीदारी करनी शुरू की है उनकी गति उन लोगों की तुलना में निश्चित रूप से ज़्यादा है जो चुपचाप बैठ के अपने पर ही काम करने जाते हैं। तो करना तो दोनों ही, अपने पे भी काम होना है, परस्परता में भी काम होना है और पूरे समाज के लिए भी काम होना है। तो सेल्फ डेवलपमेंट की जो बात थी उसको अगर देखेंगे तो वो कोर है और हम सबके लिए जरूरी है, उसका कोई बाईपास नहीं है। और ये ऊपर तक जाना इसका भी कोई बाईपास नहीं, तो हम सबको यहाँ तक जाना है तो अस्तित्व का रियलाइजेशन अनुभव हमको हो जाए, यहाँ तक हम सबको जाना है, दृष्टा की जगह पर हम स्थिर हो जाए तभी हमारे सुख की निरंतरता हो सकती है। और वहाँ पर अपने जीने के केंद्र को बनाए रखते हुए ये सबको व्यवस्थित करना है, अपने में आराम में रहना है, अपने में आराम में रहते हुए वैभव के रूप में टीम डेवलपमेंट का और सोसाइटल डेवलपमेंट का काम करना है। ठीक है, काम हम छोटा से छोटा भी कर रहे हो, जिस एक्टिविटी या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी हमने ली है वो बहुत छोटी हो लेकिन हमारा व्यू तो पूरा होना जरूरी है, कि उस पूरे काम को करने के दृष्टि से एक मानवीय समाज और उसकी एक परंपरा बनाए रखने के दृष्टि से मैं जो छोटे से छोटा काम कर रहा हूँ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है
ना कोई भी काम। तो इतने को ध्यान में करेंगे तो जितनी गति अभी ऑलरेडी हम लोगों ने की है काफी संतोषजनक है, आगे और गति कर पाएंगे। एक समय ऐसा था जो बताया था मैंने शुरू में कि 10-20 लोग साल भर में घूमने को तैयार हो जाए तो भी एक बड़ी उपलब्धि होती थी। फिर एक समय ऐसा है कि कॉलेज वाले सुनने को तैयार हो जाए, फिर एक यूनिवर्सिटी, फिर अनेक यूनिवर्सिटी, फिर AICTE के सारे कॉलेज, अभी UGC की बात हो रही है, NCERT की बात हो रही है। फिर थोड़े समय में ऐसा लगने लगा कि भी एक देश है ऐसा। फिर धरती का काम हो जाए तो और धरती आगे होगी, है ना। यही तो कल्पना से चाहे व्यवहार है, सोचने में क्या लोग। ठीक बढ़िया, रोक ले यार अभी बेटा। ठीक है, बाकी आगे के सत्र का और आउटलाइन मैंने बताई दिया तो करते हैं, और आप लोगों से व्यक्तिगत मिलने का काम है वो चलता रहेगा। ठीक।